कि दादा 1 महीने हमारे पास रहते हैं और 1 महीने चाची के पास रहते हैं। हम साथ साथ हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का अनिता जी की दुनिया में। और ये देखिए दोस्तों, कल पूरी रात बारिश हुई है तो यहाँ पे भूरा है, बैठा हुआ है, एक काफ़ी देर से बैठा होगा। मैंने सुबह सुबह इसको देखा था, सुबह सुबह तो घूम रहा था, इसको तो खिलाते ही रहते हो। दादा चाय पी रहे हो? दादा बारिश कब रुकी है? दादा रुकी है 1:30 बजे रात में। अच्छा, तो 6 बजे से बारिश हो रही थी उससे पहले से ही, और 1:30 बजे रुकी है। और ये बच गया अभी सूखा हुआ। चल भाई, अच्छा है, भींगी उम्र ठंड वंड लग जाएगी। और ये बिस्कुट खिलाएंगे? नहीं, इसको बिस्कुट नहीं खिलाएंगे, इसको रोटी खिलाएंगे। दादा बस रोटी नहीं खा रहा है, ये है बुरा। नहीं दादा, बिस्कुट नहीं खिलाना है, जिसकी हालत खराब हो रही है। ठीक है, रोटी खाना छोड़ रहा है धीरे धीरे। ये देखो आ गए। और यहाँ से कौन आ रहे हैं भाई? यहाँ से पापा आ रहे हैं, सब्जी लेकर आ रहे हैं पापा खेत से। आज ज़्यादा सामान था, उसने लुंगी बांध के नहीं लाए हैं। और खेत में तो थोड़ा बहुत कीचड़ हो गया है, देख सकते हैं पापा के पैर में कीचड़ लग रखा है। यहाँ पे मम्मी, दो मैजिकल वर्ड्स। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हाँ। कितना मस्त हुआ है मौसम, और साइक्लोन आने वाला है। साइक्लोन नहीं आएगा अभी, आने वाला है परसों से। वो देखो ललित के पास, देखो ललित के पास देखो। और ललित भाई, गुड मॉर्निंग। मौसम तो बढ़िया ही हो रखा है भाई। हाँ, और ये देखिए दोस्तों, खेत से खीरा, ककड़ी, तोरी, बीन सब ले आए हैं पापा। जो जो था, जो जो पॉसिबल हुआ लाना। तो कीचड़ बहुत हो रखा है यहाँ पे, इतना ही कीचड़ है, इससे ज़्यादा हमारे खेत में कीचड़ हो रखा है। ये देखो दोस्तों, मम्मी को पाउडर लगाऊंगी। पाउडर लगा के रखना है मम्मी, सुबह सुबह पाउडर लगा लो तो दिन भर कचुट्टी हो जाता है। मम्मी पाउडर लगा रही हैं, यहाँ पे पूरा फुल हरी हरी चीज़ें देख रही हैं, जिससे मम्मी के आगे सही रहे, है ना मम्मी, इसलिए मम्मी आज ऐसे बैठी हैं। और भाई ये हमारी सर्विस आते हुए चाय की। और आज मम्मी क्या बनाऊँ मम्मी, आज कोई मस्त सा बना दो यार। हैं, देखो इतना दिन से मौसम बढ़िया हो रहा है मम्मी, यार आप कुछ बना ही नहीं रहे। देखो मम्मी क्या बढ़िया मौसम हो रहा है, क्या हवा चल रही है यार। देखो भिंडी खेत में देखो कितना बढ़िया है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए भिंडी, देखिए कैसे हिल रही है, कितनी बढ़िया हिल रही है भाई। यहाँ पर कितना बढ़िया मौसम हुआ है भाई, ऐसा मौसम भाई बहुत अच्छा लगता है। पर मच्छर बहुत काटते हैं ना मम्मी ऐसे मौसम में? मच्छर काट काट के पूरे दोधा कर दिए हैं इधर। ठीक, मच्छर बहुत काटते हैं क्योंकि खुले में है ना दोस्तों, और पेड़ पौधों में तो मच्छर रहते ही हैं भाई। मच्छर का दवाई हो तो बताइएगा दोस्तों। अब बहुत से दोस्त हमारे हीट वीट छोड़ के, हीट मतलब आउटडोर के लिए नहीं होता ना, बहुत से दोस्त हमारे ना इतना अच्छा अच्छा कमेंट किए हैं कि मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगा सुन के पढ़ के। और आप लोग समझ जाइएगा कि मैं 12 बजे रात तक ले देती हूँ कमेंट का जवाब। चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी मम्मी। बात भी करते रहो, एक सिप मारो और फिर जब नींद आ जाता है तो आँख जब थक जाता है तो बंद कर देती हूँ। तो आप लोगों का जवाब भी देती हूँ दोस्तों, जवाब कैसे देती हूँ मैं बताऊँगी किसी दिन। और हमारे बहुत से दोस्त बोले हैं कि अपने बच्चों के बारे में बताएं, तो उनके बारे में भी बताएंगे। और कचिंग, हाँ बहुत से दोस्त हमारे बोले हैं कि मेरा नाम लीजिए, तो नाम तो मैं लिख लाख के फिर याद करके बताऊँगी। एक और हमारे दोस्त हैं, क्या नाम है, मंजू जी हैं, और मंजू जी हैं वो भी बोल रही हैं बहुत दिनों से कि नाम लीजिए। तो मंजू जी आप हमारा वीडियो देखते हैं, इतना अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और एक का नाम है, नाम तो काफ़ी सारे हैं दोस्तों, नाम भूल जाते हैं। एक सिमरन है, कुलदीप है, बहुत सारे लोग हैं। ओम प्रताप हैं, ओम प्रकाश, ओम प्रताप की ओम प्रकाश है, बड़ी दीदी बोलते हैं मेरे को। तो वो भी बहुत दिन से बोल रहे हैं,
तो मैं नाम एक दिन ना सारा समृद्धि है। समृद्धि मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज की थी कि बोलिएगा अपनी मम्मी को कि मेरा नाम ले छानी पे। उन्होंने एक वीडियो भी बना के भेजी है, समृद्धि जी हो सकेगा तो मैं कम्युनिटी में डाल दूंगी वो वीडियो। छोटी सी है, अच्छी प्यारी वीडियो है, पूरी फैमिली की फोटो है हमारी। मैं पोस्ट करती हूँ उसको ध्यान से। तो दोस्तों बहुत से लोग का बहुत से दोस्त हमारे बोले हैं कि मेरा नाम लीजिए, तो मैं पूरा टाइम निकाल के सारा कमेंट जैसे 10-15 वीडियो का कमेंट खोल के। अरे अनीता जी पे 1 लाख सब्सक्राइबर हो रहे होने ही वाले जल्दी, तो लाइव आएंगे तो सबसे बात कर ही लेंगे सारे दोस्तों से। ये बात तो दोस्तों जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर करा दीजिए, जी को सब्सक्राइब कीजिए। अभी 90,000 हो चुके हैं सब्सक्राइबर्स, ठीक है अराउंड। हाँ दोस्तों आपको बता देना चाहती हूँ मैं कि जितना भी रेसिपी आप लोग हमारे दुनिया पर मांगते हैं वो सारा मैं मतलब जो भी आप रेसिपी दुनिया पे देखते हैं हमारी वो सारी अनीता जी पे या लाला जी पे अपलोड रहती है ना मम्मी। अनीता जी के किचन पे भी मिल जाएगी या लाला जी के ढाबे पे मिल जाएगी या मेरे हाथ के स्वाद पे मिल जाएगी। हाँ तो मतलब वहाँ पे मैं रेसिपी दिखाती हूँ, यहाँ पे सिर्फ खाती हूँ और मस्ती करती हूँ। ये मम्मी का मस्ती चैनल है। जैसे कि ये चैनल जब कब हम व्लॉग जाएंगे मतलब कहीं घूमने जाएंगे ना ओडिशा या पूरी, तो मम्मी कब जाएंगे रे? अभी कोरोना खत्म होने के बाद अभी 6-7 महीने जब आपको वैक्सीन लग जाएगी ना पूरी और मेरे को वैक्सीन लग जाएगी पूरी तब जाएंगे। ठीक है ठीक है, मंजूर है? तो फिर ताली दो। तो दोस्तों ताली दीजिए। एक दो दिन में हो जाएगा। अनीता जी के किचन पे ना हमारे ना इतना अच्छा अच्छा कमेंट आ रहा है, इतना आप लोगों का प्यार दिखा रहे हैं, आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हैं कि मैं क्या बताऊं, और इतना सराह रहे हैं हमारे रेसिपी को, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो बोल नहीं पा रहा, मेरे पास ना पापा चाय पी लो ना। सराह रहे नहीं बोल रही, सराह रहे। ये लो चाय पी लो, पहले ये लो चाय पी लो, मतलब पसंद कर रहे हैं। ये देखो भाई पापा लग चुके हैं इधर काटने वाटने के लिए, क्योंकि दादा दादी को पहले खाना देना पड़ता है। हम तो फिर भी 10 बजे 11 बजे 1 बजे तक खाते हैं, दादा को 9 बजे तक देना पड़ता है 9 से 10 में। तो मम्मी अब मिलते हैं खाने के टाइम पे। अब बहुत से दोस्त ना हमारे फैमिली के बारे में भी जानना चाहते हैं कि आपके फैमिली का अलग अलग है क्या, तो जिस दिन ना हमको पूरा टाइम मिलेगा उस दिन आपको हम बताएंगे पूरे फैमिली के साथ बैठ के। आप लोग बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग खुश हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि अरे ये तो कुछ था ही नहीं। बहुत ही मजेदार, बिल्कुल लगता है टीवी सीरियल देख रहे हैं, ऐसे चीजें बताते हैं हमको। दोस्तों किसको लगता है कि टीवी सीरियल की तरह हमारा शो हो चुका है? एक पता नहीं कौन थे, मुझे याद नहीं है, मम्मी ने कमेंट पढ़ा था, मम्मी बता रही थी कि कोई कह रहा था कि दादा 1 महीने हमारे पास रहते हैं और 1 महीने चाची के पास रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, वो कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी हम उनको खाना देते काम हैं तो बिजी रहते हैं। हाँ, हम बिजी होते हैं तो हम शूट तो हर दिन शूट भी नहीं करते हैं ना भाई, शूट भी नहीं कर पाते ना, तो आपको ऐसा लगता होगा कि अच्छा इस महीने सारी वीडियोस आ रही है तो लग रहा है कि अच्छा दादाजी इनके पास है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो सब बताएंगे आपको क्या है कैसा चल रहा है क्या है, बट ऐसा कुछ नहीं है, सब एक ही साथ रहते हैं गाँव में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इधर हमारे। जो अलग कोई है तो ये बंदा नहीं, ये पापा जो है उनके जैसे चाची यहाँ पे आती नहीं है ना मम्मी, चाची नहीं आ सकती है भासुर, मतलब अजीब होते रिश्ते होते हैं, मतलब रीजंस होते हैं कुछ। तो अब पापा ट्रेडिशनल फॉलो करते हैं बहुत पहले से, हम लोग तो नहीं मानते बट पापा लोग फॉलो करते हैं। हाँ तलाड़ी तो ब्याह हुई, हम लोग नहीं माने। मम्मी मैं नहीं बनाऊंगा मम्मी, कुछ भी हो जाए बनाऊंगा ही नहीं, मैं बोलूंगा तो बनाएगी देख शादी नहीं करूंगा ये वो फलाना ढिंगड़ा, कितना वो होता है। फिर एक बात होता है, वो मेरे घर के बगल में वो मेरे साथ बैठा रहेगा, वो तो खाना देने नहीं आ पाएंगे कोई बंदा ना, उधर तो दूर से प्लेट फेंक दे लो, खाना तो खाओ नहीं तो मत खाओ। और क्या नहीं, ये सब चीजें ऐसी चीज ठीक लगती है ललित भाई? बिल्कुल बेकार है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, रूल्स इतने हैं। मतलब पहले के टाइम पे ठीक था भाई, वो तेरी तो बंदर लोग आ गए हैं भाई। दोस्तों दिखाता हूँ, ये देखे दोस्तों बंदर ही बंदर आ चुके हैं, बहुत सारे बंदर गए थे मेरे को, अभी दो दिखे छोटे छोटे, अभी देख ना सबके आंगन से सामान उठा उठा के खाए, अभी आंगन में सामान गायब होगा सबके, खूब सारे आंगन होते हैं तो आंगन में चले जाएंगे और आंगन से कुछ और भी बार देखो आंटी की रोटी का कटरा उठा के लेके चले गए थे और खा के फिर फेंक दिया था भाई। ओ तेरी तो ये देखिए, निशाना ताक रहे हैं कि कहां पर मुझे रोटी मिलेगी, उसका ये निशाना देख रहे हैं, अच्छा वहां पे है, फिर ये जाके उस सब उसी घर में, जहां इंसान होते वहां नहीं आएंगे, जैसे हम यहां बैठे हैं खुले में तो यहां नहीं आएंगे। हां यहां देख रहे हैं कि 5-6 लोग हैं, वो भी खुले में, और कहीं भाग नहीं पाएंगे ना, इसीलिए आते नहीं है। तो मैं अपने सभी दोस्तों का कमेंट पढ़ती हूं, बहुत
अच्छा लगता है। और ये आप लोगों को अगर कोई चीज़ आप लोग पूछ रहे हैं, अगर जवाब नहीं दे रही हूँ तो ये मत सोचिएगा कि हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, एक दोस्त हमारी बोली है क्या कि अनीता जी को शायद घमंड आ गया है। किसलिए मम्मी ऐसा, किसलिए मम्मी पता नहीं क्यों। तो मैं बता देना चाहती हूँ दोस्तों, हमें तो घमंड तो है ही नहीं है। घमंड किधर है हमको नहीं पता है। हमारे गांव में नहीं रहता वो। हमारे गांव में नहीं है। क्या बताओ, गांव में नहीं। तो दूसरा दोस्त हमारी एक बोली है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, ये बात सच है। उनके बच्चे पढ़ा रहे हैं, ये भी बात सच है। तो इसके बारे में किसी दिन बताऊंगी मैं आपको। मम्मी ने पढ़ना कैसे शुरू करा था ना अंजलि भाई। हाँ, मम्मी की पढ़ाई के बारे में बताएंगे कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची हैं। मार मार के पढ़ाया गया इनको। तो दोस्तों अब मिलते हैं, ललित भाई कुछ कहना चाहेंगे अपने प्यारे दो शब्द। बस हूँ, मजा लीजिए जिंदगी का भाई, नहीं तो खत्म ही हो जाएगी, नहीं तो ये सुलग जाएगी। ठीक है, कल भी मौसम अच्छा था, कल भी हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। मस्त रोटी सब्जी मम्मी बनाई थी गरम गरम, बारिश हो रही थी, अपने छप्पर के नीचे बैठ के खा रहे थे। आज पूरा भींग है यार, में साइक्लोन आ सकता है। क्या बात है दोस्तों, भिंडी वाला वीडियो पे आप लोग रिस्पांस नहीं दिखाए हैं। कभी कभी इंग्लिश बहुत अच्छा बोलती हूँ ना। रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है, बस मम्मी लोग देखे नहीं, पता नहीं शायद पसंद नहीं आया हो, बट वीडियो पूरी देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। कौन सी वीडियो है लेंगे? जो कल ही गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी कमेंट भी आ रहे हैं, मतलब कुछ लोग लिख रहे हैं कि आप लोग बोलते हैं कि वीडियो में कि कमेंट कीजिए और हमें बताइए, लेकिन आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हैं। करते हैं सारे कमेंट का रिप्लाई नहीं। दो चैनल है मेरा, एक पे रात करते करते 12:30 रात। बात वही है ना कि देखो, बाद आपको खाना बनाना होता है, फिर दादा दादी को भी संभालना होता है, फिर हमको भी हमारे लिए ही बनाना होता है, तो टाइम कहाँ से मिलेगा। लगता है तो छोड़ देती हूँ, छोटा छोटा हो गया। हाँ, जितना हो ठीक है मम्मी, कोई दिक्कत नहीं है। सब देखो, दिल दे देती हूँ, देखो सब समझते हैं। तो देखिए, अगर हम दिल दे देते हैं ना तो समझिएगा कि आपको कमेंट पढ़ ली है। रिप्लाई तो सबको नहीं हो पाया, रिप्लाई तो कैसे हो पाया। आप लोग इतने जन हो, मैं अकेले। और बाकी बहुत सारे इधर का काम होता है, आपको पता है कि गांव में काम दोगुना बढ़ जाता है। सब सांप के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, सांप दोस्तों नहीं मिला मेरे को, अभी भी नहीं मिला। डर लगा रहा है रोज, आजकल बारिश भी हो रही है। हाँ, रोज रात को ना मैं टेंशन में सोती हूँ, सोचिए। पर मैंने देख लिया था, वो मुझे पूछ लिया था, वो बोल रहे थे छोटा सांप है, कोई प्रॉब्लम। हाँ, मतलब वो जहरीला नहीं है, वो उन्होंने ऐसा कहा, जो रेस्क्यू टीम थी उन्होंने ये कहा। तो क्या पता निकल गया हो, वो बोले निकल गया तो निकल जाए, या मिले तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, बाकी हम देखेंगे। पर अभी आपके पास है ही नहीं, मतलब उनको पहले चाहिए कि भाई आपके पास सांप हो, तो कहीं यही ना हो कि हम आ जाएं और सब कुछ हो जाए, सांप चला जाए, क्योंकि सांप भाई रुक बैठ के थोड़ी रहेगा। नहीं, नहीं, जैसे कि अब सांप कहीं रह गया, मतलब किसी जगह पर है, तो आप छेड़ेंगे नहीं तो वो उसी जगह रहेगा, तो आप जब तक बुला लेंगे जब तक वो आके ले जाएंगे। अभी ड्यूटी करो ना, बहुत सारी सर्विसेज नहीं चल रही है ना। अच्छा लकी है, तूने पूछा था कि डॉगी का नाम क्या रखे। हाँ, डॉगी के नाम इतना अच्छा छाया है ना लकी, मैं बताने वाली थी। ब्रूनो, जो जो, हाँ। जो जो तो मेरे मामा ने भी कुत्ते का नाम सैंडी भी रखा है, लेकिन जो हमारा पहले डॉगी का नाम था सैंडी भी बोला है। जो भी है, जो जो है, डॉलर है, स्कूबी है और ब्राउनी है, ब्रूनो है। एक एक दिन बुलाएंगे उसको सब नाम से, लेकिन कंफ्यूज हो जाएगा, बोले क्या ये। नहीं, भूरा पे वो रिएक्ट भी करता है, भूरा अच्छा नाम है, प्यारा नाम है, भूरा रखते हैं। और जो नया कोई डॉगी आएगा उसका नाम DSLR रखते हैं। ये देखो, वो देखो कहां पर बैठा हुआ है बीवी। भाई रात तक बैठा हुआ है, भाई रात तक वहीं पे बैठा है, उसको पता नहीं है। अभी सुबह सुबह तो दो डॉगी उस पे अटैक कर रहे थे और वहाँ पे भौंकने लग गए। नहीं, उधर नहीं भौंक रहा था, हमारे एरिया में जहाँ पे हम लोग बैठे चौड़ में आके भौंक रहे हैं। तो चलो दोस्तों, ऐसी बातचीत होती रहेगी, फिर हम आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों, बारिश थोड़ी तेज हो गई है और यहाँ पर हम सब के सब अपना खाट वाट लेके अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पर देखिए, आलीशान महल में आगे बढ़ा लो। यहाँ पर मम्मी देखिए क्या कर रही हैं, चूल्हा ढक रही हैं पूरा अपना क्या सभी का है, बोरे उड़ जाते हैं इसलिए उसके ऊपर सूप रख रही है। मेरा चूल्हा बच जाए वही बहुत है। लोग बोलते हैं कितना सारा चूल्हा काहे बनाया है अनीता जी, ये भी बताऊंगी वीडियो में। ये हमारे इम्पोर्टेंट चूल्हे है, हर एक चूल्हे का अपना महत्व है, उसका होना जरूरी है, उसकी एक अलग पहचान है, उसकी अलग कहानी है, उसकी एक अलग आवाज है। चलो मम्मी, हम जा रहे हैं, ठीक है।
तो उठाए क्यों मम्मी, उठाते नहीं। रहने दो, भी रहने दो, धूप लगेगी, सूखने दो, अभी छोड़ दो मम्मी उसको, ऐसे ही रहने दो। गोल्डी का छोटा सा चूल्हा है, गोल्डी कभी कभी उस पे अपनी वीडियोस भी बनाती है। हाँ, जब किचन खेलती है। मैं आपके साथ उसकी वीडियो शेयर करूंगी, उसकी वीडियोस भी देखिएगा, उसको बहुत मजा आता है। वो कमेंट जब पढ़ती है ना आप लोगों के, तो बहुत खुश होती है। मेरे को आके अगर कोई नया कॉमेंट आएगा तो पढ़ के मुझे सुनाएगी। अभी तो वो है नहीं, वो शादी में गई हुई है, आएगी तो आप लोगों से मिलवाएंगे, इसलिए वो आपको वीडियो में भी नहीं दिखूंगी। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लौकी बोल रहा हूँ मैं, तोरी और नेनुआ जिसे कहते हैं, वो कट रहा है, इसकी सब्जी बनाएंगे। क्या हुआ मम्मी? मम्मी हम जा रहे हैं, डिसाइड नहीं हो रहा। हाँ, तो क्या करने मम्मी? तो बारिश बढ़ते हुए दोस्तों, बारिश बढ़ते हुए और फिर अब नेटवर्क्स नहीं आएंगे, वीडियो डालने में परेशानी होती है। ये देखिए दोस्तों, भूरे ने तो अपनी जगह पकड़ ली है, भूरे यहीं पर रहने लग गया है दादा के पास ही। खूब बुलाता है। ये देखे दोस्तों, बुरा बाहर आ गया है, ये सब देखो दोस्त कितने, अब बारिश सूख गई है तो जा रहा है घूमने के लिए अपना। इधर देखो, इधर बहुत सारे दोस्त आ रखे हैं। ये देखो दोस्तों, कहते स्लीपिंग मोड में बैठा, मतलब तो लेटा हुआ है, मौसम का मजा ले रहे हैं, ये सब मौसम के मजे ले रहे हैं। अरे एक बुरा है, तो बहुत सारे देखो, एक ऊंचा चढ़ाई कर रहे है, लड़के वहां से हट, छट तार पर मम्मी, तार है उधर, हटा हट छुट। ये देखो दोस्तों, ये आनंद है, हमारे गांव का लड़का है, आनंद है। ये देखो रोटी दी है इस बंदर को, आनंद रोटी खिलाया। उसको दे रहा है सब, इसको गुस्सा आ रहा है अंदर से, उसको दिखा कैसे खा रहा है। हाँ ये देखिए दोस्तों, खाते हुए कितना बढ़िया लग रहा है। हाँ लड़के, आज तो मजा आ गया सुबह सुबह ही। दादा रोटी और कुछ? कुछ ना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। दादा ने खाना खा लिया, हमारा खाने खाने की बारी है। ये देखो हेलो कर रहे हैं। कौन हेलो कर रहा है? हेलो बॉय। कौन हेलो कर रहा है? हेलो, हाथ निकाला है हेलो करने के लिए। बंदर मादर के बड़े मस्त हैं। आ गया ले, दादा का पास जा रहा है। वो कैमरा दे, इसलिए ये तार तो खराब है। ये क्या कर रहे हो मम्मी? ये साफ सफाई कर रहे हैं, अपना वीडियो बनाने के लिए सेटअप यहाँ पे थोड़ा सा हम तैयार करेंगे। तो ऐसी जो भी सारी लकड़ियाँ इस तरह रख लेंगे मम्मी, और ऊपर ऊपर करके रखो, ऊपर करके रखो, नहीं तो मैं रख दे रहा हूँ आकर, ठीक है। इस पेड़ को ना काटना पड़ेगा साफ सफाई करने के लिए, देखिए कितना इधर बंजर कबाड़ा हुआ है। अब पेड़ काटने में ना मेरे को बड़ा दुख हो रहा, क्योंकि ये जो पेड़ है जंगली पेड़ है, लेकिन जंगली था, लेकिन इस पर चिड़िया बहुत अच्छा बोलती थी। लेकिन हम यहाँ सोच रहे हैं कि अच्छा पेड़ लगाएं, जिससे हवा बहुत अच्छा है, जैसे कि नीम का होगा दोस्तों, आम का हो गया, जो हर तरीके से फायदे दे, लकड़ी भी उसकी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। देखिए कितना मोटा जड़ है इसका, सब उसको काट के जड़ से निकाला जाएगा, तो यहाँ पर DPC करवाऊँगी, तो इसीलिए ये खुदाई हो रहा है। ये जितना लकड़ी निकलेगा सब चुन के रख लूँगी, जलावन में काम आ जाएगा, बोल रहे हैं कि जलेगा अच्छा। इसकी लकड़ी तो जलाई जाती है। तो बड़ा बड़ा कुल्हाड़ी है, देखिए बड़ा बड़ा कुल्हाड़ी है, उससे काट रहे हैं इसका जड़ को। ये पेड़ तो काटने में मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जंगली पेड़ है, बिना काटे बिना काटे नहीं होगा, बता
जो हम इस पर डीपीसी करवाएंगे ना उसी के ऊपर आ रहा है। नहीं तो अगर नहीं होगा थोड़ा आगे से करा देते तो जो इसकी जड़े है ना वो आने वाले टाइम पे ना डीपीसी के जो पत्थर है उसको गिरा देंगे पूरे को, दीवार को गिरा देगा। ठीक है, तो इसी की वजह से हम इसे हटाना पड़ रहा है। इधर बहुत से गंदगी था, इसको साफ करवा के फिर मैं अपना सेटअप तैयार करूंगी। इधर हमेशा मतलब इस तरफ भी तो वही था पहले जब हम यहाँ पे हम बनाते हैं भी वीडियोस। हाँ। तो हमने उसको भी ऐसे ही करवाया था, हम इसको भी ऐसे सोच रहे हैं करवा दें। तो ये देखिए दोस्तों हमारा खाना लग चुका है और यहाँ पे तोरी की सब्जी है, भिंडी की सब्जी है, हलवा है और दाल है ना मम्मी। दही भी है दोस्तों, दही दिखाना भूल गया था, ये दही भी हमारे पास। और ये देखिए दोस्तों ये खाना हो गया शुरू। और मम्मी खाओ, मम्मी क्या चाहिए आपको? दही 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 दे यार, मम्मी को दही नहीं दिया है, अभी दे देते हैं। डबल कटोरी एक काम करते हैं। मम्मी को भिंडी की बजाय इसी में दे दो भाई, क्या बात है मम्मी, फिर खटिया उटिया बैठ के खा रही हो है। ये रात का भुजिया है, ये सुबह का सब्जी है, ये दही है कल का, और आटा 5-2 साल पुराना है। पपीता सड़ रहा था, सड़ नहीं रहा था, खराब हो रहा था, सड़ रहा था। सड़ना और खराब होना अलग चीज होती है। हाँ तो सड़ ही रहा था एक तरफ से, तो उसको मैं काट कूट के सही की हूँ। अभी ललित नहीं आया है तो अभी खा रहा है। तो दोस्तों अभी तो मेरे ख्याल से अनिता जी के लिए, अनिता की किचन के लिए हम चाउमीन बनाने का प्लान सोच रहे हैं ना मम्मी, तो वो भी आपको वीडियो में दिखाएंगे। और हो सकता है आपको आज एक चाउमीन की रेसिपी देखने के लिए मिले बहुत ज़बरदस्त। खाना के लिए भाई बड़े दिन हो गए मम्मी चाउमीन नहीं खाने के लिए मिला लॉकडाउन में यार, चाउमीन बन जाएगी, मज़ा आ जाएगा। काम हो रहा है और अदर, हाँ अदर हम खाना खा लेंगे थोड़ी देर में ही, मैं भी खाने जा रहा हूँ, तो मिलेंगे आपको बाद में, थोड़ी देर में मिलते हैं। देखिए दोस्तों 2 बजे का टाइम है और बैंड बाजा बज रहा है, बारिश का मौसम है और मम्मी यहाँ पे रोल बना रही हैं, है ना मम्मी? कितना टाइम लगेगा रोल बनने में? 10 मिनट। 10 मिनट में पूरा बन जाएगा? और बना के नहीं रखे हो? बनाए हैं बहुत सारे। ये देखिए दोस्तों काफ़ी सारे रोल, चट्टा मत करे रखे। ऐसा होता है फूड ब्लॉगर का फूड खराब करते तो ऐसा होता है। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे बारिश होने की वजह से हमारा चूल्हा बार बार बुझ जा रहा है। और यहाँ अंकल बैठे हैं और यहाँ पर मम्मी ने हलवा सर्व किया है, कैसा लग रहा है चाचा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा। तो दोस्तों पापा ने बनाया था हलवा, बहुत बढ़िया टेस्ट है, बहुत बढ़िया टेस्ट है, थैंक यू। अभी स्पेशली बनाए हैं और यहाँ पर अभी हम तलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा जब रोल तलेंगे, तो बाकी वहाँ का थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे इतने सारे पेड़ काट चुके हैं, बारिश होने के बावजूद भी हमारे जो चाचा लोग हैं बहुत काम करे हैं आज, तो वो पूरा एकदम खाली हो गया यहाँ पे, और ये सब पेड़ हमारे काम में ही आएंगे। ये देखिए दोस्तों रोल बन के हो गए हैं तैयार और खाने के लिए भी लोग हो गए हैं तैयार। और चलो बंदूक उठाओ, और इतना हम कर दिए हैं फिनिश, नहीं वीडियो मम्मी सुनो सुनो तो चलो मुंह उठाओ और चबाना शुरू करो। बहुत बढ़िया। ये देखिए कितना इसका स्प्रिंग रोल में, स्प्रिंग रोल बोल रही है, ये जो मैं रोल बनाई हूँ चाउमीन रोल, इसमें कितना बढ़िया फीलिंग भरा हुआ है। स्प्रिंग रोल बोल के आंटी की याद दिला दी। तो स्प्रिंग रोल है बेटा, दिल्ली दिल्ली जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब कुछ बना देते हैं। दिल्ली जाइबू तो हमरा के भूल, हमरा के दिल से भुला देगो दो। अब देवेंद्र भाई इतना बढ़िया मौसम, तो जो गरमा-गरम रोल मिल रहे हैं तो तब दोबारा फ्राई करती हूँ। क्या अंजलि कुछ बोल रही है भाई, क्या मांगे भाई अंजलि जी? दे नहीं रही है, पहले तो वीडियो बन रही थी अब व्लॉग बन रहा है, कब मिलेगा? ले ले तो चकले, तब तक फ्राई करती हूँ और दोबारा फ्राई करती हूँ ये वाला। सोच रही है प्लेट, उसमें भी 3 हिस्से लगेंगे। तीन हिस्से लगा इसमें, रुक पहले मैं टेस्ट करूँ ना, अगर अच्छा नहीं होगा तो तुम लोग नहीं नहीं ऐसा मत कर दो, हम बता अच्छा ही है, हमें तो अच्छा ही है भाई। ये लो भाई चाउमीन भी आ गई है, उसी में रख दो भाई। अंजलि खाएगी बताएगी कैसा है, ये सब खा के बता अंजलि। रोल के लिए ना दोबारा भी चूल्हा जला रही हूँ, थोड़ा फ्राई। अरे भाई अंजलि का टेस्ट तो देखने दे कि कैसा उसको बना है, कैमरा पहले हटा देता।
कैसा लग रहा है? बढ़िया बना है, घर जा। बढ़िया बना है। चलो अच्छा भाई फिर तो हटाओ ये भाई, शाम को मिलेंगे ठीक है, हटाओ व्लॉग भाई, व्लॉग व्लॉग खत्म, शाम को मिलेंगे। बढ़िया बने तो आपको भी टेस्ट करा, लक्की को दे दे हुआ था। नहीं 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 भाई, मैं गरम गरम खाऊंगा, मैं गरम गरम खाऊंगा। ये लो आप खाओ पहले, मैं तो गरम गरम खाऊंगा भाई। ये भी खा लो। चलो भाई, मम्मी रह गई। मैं तो पहले ही वीडियो बना रही थी तभी खा ली थी। एक रोल से करते चार लोगों ने खाया इस तरीके से। अभी दोबारा इसको तल रही हूँ। इसके लिए नहीं है, चाउमीन के लिए नहीं है चटनी। दोबारा तल रही हूँ इसको, करारा हो जाएगा क्रिस्पी, फिर काटूंगी, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। दोस्तों वीडियो बनते बनते, व्लॉग बनते बनते सब कुछ ठंडा हो जाता है, तो ड्यू टू अंजलि की डिमांड तवे पे हम की जगह हमने दोबारा से फ्राई कर रहे हैं। हाँ है ना मम्मी, ठीक है। और दोस्तों अभी हम खा लेते हैं, अभी जब दोबारा खाएंगे तो दिखाते हैं। ट्राइपॉड पे लगा देना। और ट्राइपॉड पे लगाऊं? हाँ लगा दे ट्राइपॉड। रोटी वोटी चाहिए तो बताना। दादा आपको कौन सा खाना बढ़िया लगता है? रोटी दाल। रोटी दाल मसाले वाला बढ़िया नहीं लगता? हाँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी बिरयानी बनके तैयार हो गई है। ना आज हमने मम्मी दाल चावल का नाम ही बिरयानी रख रखा है। देखिए कितना बारिश हो रहा है, आवाज सुनाई दे रहा होगा। तो दोस्तों कैसी लग रही है बिरयानी, जरा ध्यान से देखिए, कितने लंबे लंबे चावल हैं, और आहा क्या ग्रेवी और क्या चिकन है, और इसमें डाल दिया हमने नींबू। दाल भात बनाई हुई। आ जाइए दोस्तों बिरयानी खाने। क्या हो गया मम्मी, बिरयानी नाम नहीं ले सकते क्या? है दाल भात भुजिया है ये आलू का। हाँ बनाए हैं सादा खाना, लेकिन बारिश पूरे दिन हुआ, काम धाम कुछ नहीं हुआ है, लेकिन खाना जल्दी खा रहे हैं हम लोग, जो कल जल्दी उठ सके। हाँ। जल्दी उठेंगे तो जल्दी अपना। हाँ तो आप लोग भी आ जाइए, ये लीजिए, ये हम दाल भात बनाए थे आज गैस पे, चूल्हे पर नहीं बनाए, चूल्हे पर पूरा पानी भरा हुआ है, अभी तक बारिश का पानी सुनाई दे रहा है। अभी भी बारिश हो रही है दोस्तों, मतलब पूरा एक दिन से बारिश हो रही है समझ लीजिए। हाँ। कल इसी टाइम से बारिश होना शुरू हुई थी, और अभी तक पूरे दिन ही बारिश हुई है, एक दो घंटे बस रेस्ट ले लेकर पूरे दिन पूरे रात। तो कैसा लग रहा है वीडियो बताइएगा दोस्तों, और इंजॉय कीजिए आप लोग भी, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो। और ललित भाई कुछ कहना चाहोगे बिरयानी के पे? बिरयानी बहुत बढ़िया बनी है, बहुत बढ़िया बनी है। तो दोस्तों बिरयानी के लिए एक लाइक तो कर दो। कल देख, कल ही बनेगा। कल तो मम्मी, मैंने बिरयानी का नाम ले लिया है ना, अब तो बिरयानी बनी जाएगी कल परसों, है ना मम्मी? तो अभी पूरी रात पड़ी है, अभी खाने का तू ऐसे कर रहा है। तो ये भाई अंजलि ने उठा लिया लेग पीस, ओ हो हो क्या मस्त।
तू बोल मत, वो फिर एक ये लेग पीस है। हाँ। वो कमेंट नहीं आया था जब मैं कीड़े पे थोड़ा डर गई थी। हाँ। तो फिर बोल रहे थे लोग कि लेग पीस तो खा लेती हो, कीड़ा देख के डरती हो। हाय हाय, क्या स्वाद अंदर तो स्वाद आ गया भाई। अंजलि दाल जो है ना रोहरी की प्योर दाल है। अच्छा, टेस्ट कैसा होता है? तो मम्मी आपको सबसे बढ़िया दाल कौन सी लगती है? दाल चावल अरहर का। अरहर का चोखा ज्यादा अच्छा लगता है जैसे। इसने मुझे भुजिया बेटर लगती है भाई। इसी खाने ज्यादा इजी खाने से पेट भरता है। हाँ भाई, ये तो ललित ने भाई बात सही करी है भाई। ललित लग रहा है 40s में जा रहे हैं। जितना भी चिकन मटन खा लो पर देखो भाई, दोनों अपनी अपनी जगह है भाई। नहीं, खाने में सुकून जो मिलेगा वो दाल चावल में मिलेगा, आप चाहे देख लेना। ठीक है, ये बात कभी भी सच है। दाल चावल भुजिया रोटी, पापा रोटी बना रहे हैं। कितने लोग तो क्या बोलेंगे, बेटा तुम तो रोज रोज खाते हो ना, जहाँ काली है वहाँ पूछो, है ना अंजलि भाई? ऐसा हमें भी स्टार्टिंग में लगता था। ठीक है, पर अब रोज खाएंगे चिकन, रोज खाएंगे भाई। शुरुआत में ऐसा लगता है और उसके बाद आपको मन आपको भर जाएगा, आपको लगेगा कि यार नॉर्मल सादा खाना बहुत बढ़िया है। आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा और अपने फैमिली में भी इंजॉय करें। मिलती हूँ, जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, गुड नाइट।